हेलो एवरीवन, विटामेथोसन सोडियम फॉस्फेट ओरल ड्रॉप्स यानी कि वेटनिसोल को कहां पर हम उपयोग करते हैं और इसका यूज क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है। कई बार क्या होता है, हमें डोज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और हम सही तरीके से डोज कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे हम किस तरह से ड्रॉप्स का या वेटनिसोल या विटामेथोसन का आप डोज कैलकुलेट या फिर डोज किस तरह से कितना डोज देना होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका यूज क्या होता है। विटामेथोसन एक कॉर्टिको स्टेरॉइड्स है, यानी कि यह एक ऐसी दवाई है जो स्पेशली एलर्जीज जैसी समस्या या एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में उपयोग की जाती है और इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि कॉर्टिको स्टेरॉइड या स्टेरॉइड से जो दवाइयाँ होती हैं इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। जब मरीज को आराम नहीं मिलता है, जब परेशानी ज़्यादा होती है या हमें लग रहा होता है कि पेशेंट को रिलीफ ही नहीं है बिल्कुल भी, तो स्टीरॉइड्स या कॉर्टिको स्टीरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका डोज क्या है, अगर छोटे बच्चों की बात करें तो ये 0.1 से लेकर के 0.2 mg पर kg के हिसाब से डेली दिया जा सकता है, टू डिवाइडेड डोज यानी कि सुबह और शाम में। इसका जो कैलकुलेशन निकलेगा 0.1 से 0.2 mg का टोटल निकलेगा, उसके भी दो डिवाइडेड, उसे हम दो में डिवाइड कर देना है और डेली हम दे सकते हैं ओरली। अगर बात करें कि 1 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें हम 2 mg पर डे के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं या जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनमें 4 mg पर डे के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है और बच्चे का वजन कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पर केजी लगाया हुआ है यानी कि पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बच्चों में अगर हमें इसका यूज करना है तो 0.1 से लेकर के 0.2 mg पर केजी के हिसाब से टू डिवाइडेड डोज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि कई बार फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं या फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है एयर वे में, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वेटनिसोल का, विटामेथोसन का, डेक्सामेथोसन का, इस तरह की दवाइयां उपयोग की जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, मरीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि सर कितने दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो जो भी कॉर्टिको स्टेरॉइड्स होते हैं या स्टेरॉइड्स होती हैं इन्हें हम 4-5 दिन से ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मरीज को तुरंत यानी कि जल्दबाजी में या किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल इमरजेंसी टाइप की ये दवाइयाँ होती हैं, जब पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इनसे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अस्थमा है या दिमागी सूजन वगैरह है और एलर्जी जैसे होते हैं। तो कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है मरीजों को, तो वेटनिसोल है या फिर डेक्सामेथोसन वगैरह या हाइड्रोकॉर्टिसन वगैरह दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन वगैरह दिया जाता है, इस तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और इसको अगर एडल्ट की बात करें तो 0.5 mg से लेकर के 6 mg पर डे के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं एडल्ट में, वयस्क में, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अब बात कर लेते हैं। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में इसे हमें कभी नहीं देना चाहिए और प्रेगनेंसी में इसे हमें कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत हो प्रेगनेंसी में तभी उपयोग करें, अन्यथा प्रेगनेंसी में उपयोग करने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के किसी भी प्रकार की दवाई उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है आप सभी के लिए वेटनिसोल या बीटामेथोसन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ और निकल के आई होंगी। ये वीडियो आप सभी के लिए मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और नॉलेजेबल था, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।